तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अपने व्हाट्सएप में वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस कैसे कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, आज हम आपको यही बताएंगे कि अपने व्हाट्सएप में वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस किसी के पास कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने किसी फ्रेंड या फैमिली के पास कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, यानी व्हाट्सएप वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, अगर आपको करने नहीं आता है, तो आज हम आपको बताएंगे कि आप किसी के पास वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस कैसे कर सकते हैं, वो भी एक ही टाइम पे सारे लोग से आप वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस बात कर सकते हैं, वो भी आप एक ही समय पे और एक ही टाइम पे सारे लोग को जोड़ सकते हैं। और उसके बाद आप एक बार बोलिएगा तो सारे लोग को सुनाई देगा, आप सभी लोग से एक ही टाइम में सभी के साथ बात कर सकते हैं और मिलकर, और फ्रंट टू फ्रंट। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो कॉल देखा होगा कि आप जिससे बात कर रहे हैं तो एक एक करके बात करना पड़ता है, यानी आपको पर्सनल करके बात करना पड़ता है। आप सोचते होंगे कि जैसे जैसे आप किसी के पास कॉल करते हैं नॉर्मल कॉल, तो कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, बट आप अभी तक नहीं जानते हैं कि व्हाट्सएप वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस कैसे होता है, यानी आप एक ही समय में बहुत सारे व्यक्ति से आप कैसे बात कर सकते हैं। तो ही हम आपको बताएंगे कि आप किसी भी व्यक्ति से एक ही समय पर कैसे बात कर सकते हैं, और भी आप कोई भी आपके घर में या फ्रेंड या फैमिली कोई भी हो तो आप बात कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा कि आप तभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा कि आप अपने व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप ओपन करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आपको दिख जाएगा। दिखने के बाद आप जिस पर कॉल करना चाहते हैं तो पहले उस पर कीजिए, जैसे हम किसी एक पर पहले करना चाहता हूँ। उसके बाद देखिए, हम पहले इस पर करना चाहता हूँ तो हम इसे क्लिक कर दूंगा। हमने जिसमें क्लिक किया तो हमें इस पर कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सिंपली इस पर आ जाना है। आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाती है, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आपको दिख जाता है। दिखने के बाद आपको यहाँ वीडियो कॉल का ऑप्शन मिलता है, वीडियो कॉल का ऑप्शन मिलता है। वीडियो कॉल का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते हैं, हमारी कॉल जो कि लग चुकी है, तो हमारी ये रिंग जा रही है। हम जिस व्यक्ति पर कॉल की है तो रिंग जा रही है। जब तक कॉल वो रिसीव नहीं करते हैं तब तक हमें वेट करना होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कब तक ले हमें वेट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं जो कि वीडियो कॉल जो कि उठ चुका है। तो हम जिस व्यक्ति पर कॉल किए थे जो कि ये कॉल रिसीव हो चुकी है, और हमें जो कि दूसरे फिर कॉल करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और व्यक्ति को हमें जोड़ना है यानी कॉन्फ्रेंस करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो कि आपको प्लस का आइकन यहाँ आपको दिख जाता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी बहुत सारे नंबर आ जाएगी, कॉन्टेक्ट नंबर में कि जितना होगी हमारी नंबर आ जाएगी। तो वहां से हम किसी को भी व्हाट्सएप अपना जो व्हाट्सएप में नंबर मेरा सेव हो गया, चाहे किसी के पास कर रहे हैं, तो वहां से हम वो ले लेंगे। तो हमने जैसे ही क्लिक किया था, हमारी बहुत सारे यहाँ नंबर आ गए। आप यहाँ से जो भी जिनके पास कॉल करना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या तो आपको यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए हम सर्च करके एक नंबर ले लेते हैं जो कि हमें जिनके पास कॉल करना है। तो ये हमारी नंबर आ गई, हम इस पर कॉल करना चाहते हैं तो फिर हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये आपको देख रहे हैं, ये कह रहा है आपको ऐड, ऐड पर आपको क्लिक कर देना है। ऐड का आपको ऑप्शन मिलती है, आपको ऐड वाले पर क्लिक कर देना है। हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ आपको तीन व्यक्ति जो कि मिल जाती है, आपको तीन फिगर दिख रही है, आप देख सकते हैं, जो कि आपको वीडियो कॉल में फर्स्ट सेकेंड या थर्ड। अभी देखिए रिंग दे रहा है, क्योंकि अभी देखिए कॉल उठ चुका है, जो कि हम लोग तीन लोग जुड़ चुके हैं, देख सकते हैं। हमने जैसे तीन लोग जोड़ चुके हैं, आप इसी तरह आप कोई भी व्यक्ति को, बहुत सारे जो कि व्यक्ति को आप जोड़ सकते हैं, जितना आप जोड़ना चाहते हैं यहाँ इसके थ्रू आप जोड़ सकते हैं। आप इसी तरह किसी के पास, फैमिली के पास कॉल्स कर सकते हैं, कहीं भी आप वीडियो कॉल जो कि बात कर सकते हैं, वो भी एक टाइम पर सेम टू सेम। तो आप देख लिए कि कैसे आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं किसी के पास। तो आपका जितने व्यक्ति हुए उतना यहाँ जोड़ सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आप जितना जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। आप इसी तरह वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस किसी के पास कर सकते हैं। तो हमारी दी हुई जानकारी आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक बाय बाय।